जावर सरकार दे नाल साडा पाप है, एक पासे जावर है दूजे पासे किसान सबर की लड़ाई लड़ रहे हैं और शांतमई अंदोलन है जोड़ा वो लड़ रहे हैं। 3 महीने तो पंजाब दे विच अंदोलन लड़िया, 6 महीने तो उत्ते है जोड़ा समा वो दिल्ली के बार्डर पर हो गया, पर सरकार है जी केसर वटी बैठी है। और असी दृढ़ता नाल गल कह रहे हैं भी जदों असी सारे कानून जोड़े है बनाए ने खेती लिए इन्हों असी गलत साबित कर चुके हैं। मैं समझना भी या तो सरकार उन्होंने जिहड़ी डिबेट हुई है मीटिंगां दे विच उस डिबेट नूं नशर करे पूर्ण तौर पर तां जो लोगों नूं भी पता लग सके भी हाँ किसान सच्चे ने जां सरकार सच्ची है। एक पासे वह कह रहे हैं भी इन्हां कानूनां च की गल है, असी वो साबित कर दिता है पॉइंट टू पॉइंट सारिया मीटिंगां दे विच भी आह कुछ इहदे विच किसानां दे लई घातक है। मनण असी साडा चैलेंज है भी वो इन्हां नूं नशर करे। मीटिंगां दा बाकायदा रिकॉर्डिंग हुंदी है, उहदा बाकायदा उत्थे डेटा हुंदा है, उहनूं रिकॉर्डिंग रिलीज़ कर देवे भी आ किसानां ने कोई जवाब नहीं दे सके, अपने आप पता लग जाएगा। 11 मीटिंगां तो बाद फिर कोई मीटिंग नहीं जाएगी। देखो सरकार इदां करदी हुंदी है, सरकार देखदी हुंदी है पर तोलदी हुंदी है, पर इह आ वी किसान ने जिहड़े उह दृढ़ता नाल बैठे ने। देखो लोक राज दा है नहीं इत्थे, लोक राज दा घाण हो रहा है, किसी भी तुसीं किसी वर्ग की भी गल कर लो आम बंदा जिहड़ा उह भी नपीड़िया जा रहा है। डीजल दीआं कीमतां वध रहीआं ने, पेट्रोल दीआं कीमतां वध रहीआं ने, गैस दीआं कीमतां वधी जा रहीआं ने, होर कोई कंट्रोल नहीं है, बेरोज़गारी वध रही है, आम भुखमरी वाली स्थिति बनी हुई है, आम लोगों नूं लॉकडाउन कह के आ करोना दा डरा के उन्हां नूं अंदर वाड़िया जा रहा है। ये सारा कुछ मतलब एक ब्योंतबंद तरीके दे नाल हो रहा है, लोगों की जेब है उन्हूं खाली करन दी इन्हां दी ब्योंत है भी इन्हूं खाली कर दी है, ते तजौरियां असी उन्हां दीआं भरीए जिहड़े कारपोरेट घराने ने अडानी ते अंबानी। और इको एक व्यापार है जिहड़ा मतलब जिस तरह इन्होंने तो रेलवे बेचती है, एयरवेज कह लो वो एयरपोर्ट है, तो इस तरह होर अदारे ने जोड़े वो तो बेची दते ने। हूँ इन्हों की अख है कि जोड़ा फूड मतलब जी तो बिना सरदा नहीं है, ये समझते हैं भी ये जोड़ा फूड है फूड तो बिना रोटी तो बिना किसी का सरदा नहीं है, इस करके ये भी कब्जा जोड़ा ये कारपोरेट घरा ने। काला दिवस मनाया कि वक् वक् पार्टियां ला लो कांग्रेस ला लो अकाली दल आप वालों समर्थन दिता गया, थोड़ा की लगता कि असर पे? देखो असर तो जे आप ये कह लिए भी जिन्हें भी प्रोग्राम संयुक्त किसान मोर्चे ने दिते ने असर तो वह पे है। बाकायदा जे असी हाईवे जाम करन दी गल कीते तां हाईवे जाम होए ने, जे असी पंजाब जां देश सियासी पार्टियां दा की मैं दसदा ना, जे देश नूं बंद करन दी गल कीते तां ओह भी होया। जे सियासी पार्टियां देखो सारी अपोजिशन है जिहड़ी उन्होंने इस अंदोलन दे विच आ जिहड़ा असी काला दिवस मनाया है इहदे विच उन्होंने समर्थन दिता, मैं कहना चंगी गल है। लेकिन यह है भी यही गल जे उह पहलां करदे जदों ये लोक सभा च बिल पास किए ने, लोक सभा च तां इन्हां दा बहुमत सी पर यह भी राज सभा च तां बहुमत है नहीं सी, उत्थे जे विरोधी पार्टियां पूर्ण तौर पर खड़दियां और खड़ के उत्थे वोटिंग की मंग करदियां तां मैं समझदा ये बिल पास ही नहीं सी होने। ये जाने घड़ियाले आंसू ने जिहड़े वह बहाउण वाली गल करदियां ने, राजनीतिक पार्टियां मौके प्रस्त ने, सिर्फ इन्हां नूं आउण वालियां चोणां दिखदियां ने, उन्हां चोणां वास्ते ही ये अपने हथ कंडे वरत रही ने। जे असी कहीए भी ये साडे पूर्ण तौर पर हमदर्द ने, हमदर्द सानू लगता भी कोई भी सियासी पार्टी नहीं है किसान। 2022 की गल करिए लंबे समय तो पंजाब जो धार्मिक आर्थिक तो समाजिक तौर पर पछड़े है, यही हमदर होगा भी आप मोर्चे लाइए तो पॉलिटिशियन उन्होंने चुनते रहिए, कोई बदल जो है 2022 देखो ये लोगों के हथ है, ये लोगों ने देखना है आने वाले समय से जिस तरह का हूँ इस मौके हालात चल रहे हैं, जिस तरह मतलब सारिया पार्टियां नूं सियासी पार्टियों नूं नकारिया, आम जनता ने नकारिया, कल्ले किसानां ने नहीं आम जनता ने, उन्हां नूं पिंडां च बढ़ नहीं दे रहे, ये कितें छोटी गल है। आने वाले समय से ये तब्दीली आउंदी हुंदी है, जदों लोग दुखी हुंदे ने दुखी हो के कोई ना कोई मतलब अंदोलन है जिहड़ा वो छिड़दा, ये अंदोलन इत्थे ही मुक्कण वाला नहीं, ये अंदोलन जे भावें 6 महीने चले आ पर इन्हें देश व्यापी कदर कीमतों ने जिहड़ियां वो तय कीतियां ने, दुनिया के संदेश है जिहड़ा वो गया है, इतिहास रचा जा रहा है इस अंदोलन वालों,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, 45 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਡ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 6 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਐਡ ਦੇ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਈ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੜੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੈ।